ठीक है, ये हो यस गया, हाँ जी ये हो गया माइनस का 4/5। ठीक, इसके बाद मैं बात करता हूँ, जैसे कॉस वाई है, सिंस कॉस वाई इज इक्वल टू -12/13, देयरफॉर साइन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - cos² y। साइन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - cos² y। अब साइन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - cos² y, मतलब cos y का होल स्क्वायर, मतलब -12/13 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 - 12 का स्क्वायर हो गया 1/4 और 13 का स्क्वायर हो गया 169। 169 -1/4 अपॉन 169, और इसका अंडर रूट 25/169 का अंडर रूट, तो ये 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 169 का हो जाएगा 13। अब ये मुझे पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? ये मुझे पॉजिटिव लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो वाई है, वाई भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैं साइन निकाल रहा हूँ तो ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे पास साइन वाई आ गया, कॉस वाई आ गया, साइन वाई आ गया, साइन एक्स आ गया और कॉस एक्स आ गया। तो हम ये कहेंगे नाउ साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स कितना है? साइन एक्स है 3/5, 3/5 मल्टीप्लाई बाई कॉस वाई। कॉस वाई कितना है? -12/13, -12/13 प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स कितना है? -4/5 मल्टीप्लाई बाई साइन वाई कितना है? साइन वाई है 5/13। यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, लेकिन यहाँ 5 से 5 कट रहा है, लेकिन मैं फिर भी काटूंगा नहीं। रीजन आप समझ ही जाएंगे, 3 × -12 कितना? -36, और 5 × 13 होता है 65। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो ओवरऑल माइनस साइन आ जाएगा 4 × 5 = 20, और नीचे 5 × 13 65। मैंने 5 से 5 इस वजह से नहीं काटा, तो बाद में मुझे फालतू में इसका एलसीएम लेना पड़ता, तो दोनों में तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स को एज इट इज ऐड करिए। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, -36 और -20, -20 कितना हो जाएगा? -56 और अपॉन में 65 रहेगी, -56/65, ये इसकी वैल्यू है। बताइए जी, क्लियर है? अश्वर रहे, रश्मि क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, उसके बाद एग्जांपल नंबर 26 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 26 है, प्रूफ वाला है ये। cos 2x into cos x by 2 cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 is equal to sin 5x into sin 5x by 2। हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? देखो ऐसा है, यहां पर मैं ये कहूंगा कि जैसे अगर मान लो ये है मेरे पास cos a और cos b, तो 2 cos a cos b का तो फॉर्मूला मेरे पास होता है, लेकिन 2 इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 2 और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, यू गेट cos 2x cos x / 2 माइनस 2 cos 3x इनटू इनटू cos 9x / 2 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b plus cos a minus b, तो cos a plus b कितना हो जाएगा 2x plus x by 2, cos a plus b 2 cos a cos b, तो a हो गया 2x, b हो गया x by 2, cos a plus b plus cos a minus b ठीक है, इसको ये ब्रैकेट में डाल दीजिए, फिर माइनस का साइन है बीच में माइनस का साइन लगाओ, यहां पर भी वही 2 cos a cos b, इसका भी फॉर्मूला होता है cos a plus b plus cos a minus b, cos 3x plus 9x by 2 यानी कि cos a plus b plus cos a minus b, अब तक 3x minus 9x by 2 bracket close, इसके बाद देखिए यार is equal to 1 upon 2, अब bracket में देखो 2x plus x by 2, 2 2 जा 4x, 4x plus x हो जाएगा सीधा सीधा लिख रहा हूँ cos 5x by 2, plus 2 2 जा 4x, 4x minus x कितना हो जाएगा 3x, तो ये हो गया cos 3x by 2, फिर 2 3 जा 2 3 जा हो जाएगा 6x, 6x plus 9x कितना हो जाएगा 15x by 2, लेकिन माइनस का यहां पर लगाऊंगा मैं माइनस साइन, उसके बाद 3x minus 9x by 2 तो 2 3 जा 6x, 6x minus 9x कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो ये वाला भी माइनस का हो गया, ये वाला भी माइनस का हो गया, 6x minus 9x कितना हो जाएगा minus 3x, तो cos minus 3x by 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, उसके बाद 1 upon 2 cos 5x by 2 plus cos 3x by 2 minus cos 15x by 2, और cos के आगे minus लगता है वो minus अंदर ही consume हो जाता है, अंदर ही खत्म हो जाता है, cos minus theta, cos theta के ही equal होता है, तो cos minus 3x by 2 इसको मैं सीधा सीधा cos 3x by 2 ही बोलूंगा, minus अंदर नहीं लगाते, घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस तो था ही और ये माइनस था ये अंदर खत्म होगा, प्लस का 3x / 2 ही हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का cos 3x / 2 और माइनस का cos 3x / 2 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 upon 2 और cos 5x / 2 माइनस cos 15x / 2, माइनस कॉस 15x बाय 2, तो याद रखिएगा जो हमारे पास सीक्वेंस होता है फॉर्मूलों का, वो पहला होता है साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा होता है साइन सी माइनस साइन डी, तीसरा होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, और चौथा होता है कॉस डी माइनस कॉस सी, मतलब कॉस डी माइनस कॉस सी, ये पहले डी आएगा और फिर ये सी आएगा और दोनों में साइन आते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 अपॉन टू, तो ये तो बाहर ही है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये हो जाएगा हमारे पास टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि सी ये है और डी ये है,
15x by 2 plus 5x by 2, ये क्या हो गया c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2. c minus d क्या हो जाएगा 15x upon 2 minus 5x upon 2 upon 2 और bracket close. यहाँ इस तरह से ये तो cancel out हो गया. सर हम इस केस में लेकिन माइनस भी ले सकते हैं ना, माइनस टू साइन माइनस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, रिजल्ट तब भी सेम आएगा, रिजल्ट तब भी सेम आएगा, समझ रहे हैं? यस सर. चलिए उसके बाद मैं ये कहूंगा ये 15x by 2 plus 5x by 2 क्या हो जाएगा 20x by 2, 20x by 2 क्या होता है 10x, ऊपर रह गया 10x sin 10x upon 2, नीचे ये 2 है ही, मल्टीप्लाई बाय साइन 15x by 2 minus 5x by 2 तो क्या हो जाएगा 10x by 2, 10x by 2 का मतलब क्या हो गया 5x, ऊपर तो आ गया 5x और नीचे है 2, 2 5 जा 10 साइन 5x into साइन 5x by 2 is equal to RHS. यही प्रूव करना था. इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 27 है. 27 में ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8, tan पाई बाई 8 की वैल्यू निकालनी है. एग्जांपल 27 tan पाई बाई 8 tan pi by 8. अब tan pi by 8 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं tan 2 theta की वैल्यू जानूं, तो tan 2 theta का अगर हम फॉर्मूला देखें तो tan 2 theta का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. ठीक है, तो tan 2 theta क्यों बोल रहा हूँ मैं tan 2 theta इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं pi by 8 को theta मान लेता हूँ तो या पाई बाई 8 है ना, तो पाई बाई 8 को अगर थीटा मान लेते हैं ना, थीटा एंड थीटा, थीटा लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8, इट इंप्लाइज दैट 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 8, 2 वन था 2, 2 4 जा 8, तो 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5 बाई 4, 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5 बाई 4. अब देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को. यू नो दैट जब भी कभी हमारे पास ऐसा आए ना कि हमें ये दिखाई दे कि एंगल जो दे रखा है वो तो हाफ है, ठीक है, जैसे ये 5 बाई 8 है तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका अगर मैं डबल करूंगा तो पाई बाई 4 आ जाएगा और टाइम पाई बाई 4 की वैल्यू मैं जानता हूँ. ऐसे ही मान लीजिए साइन पाई बाई 8 खींचते तो उसका भी डबल क्या होता है, पाई बाई 8 का डबल क्या हो जाएगा पाई बाई 4, तो उसकी वैल्यू भी मुझे पता है साइन पाई बाई 4 की वैल्यू. तो जब भी कभी ऐसा आए तो आप 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना. तो क्योंकि टैन बोल रहे हैं तो मैं टैन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा. देखिए यू नो दैट टैन 2 थीटा is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. ठीक है, अब tan 2 theta का मतलब, tan 2 theta का मतलब है tan 2 into pi by 8, 2 into pi by 8 और 2 tan pi by 8 upon 1 minus tan square pi by 8. ये है, ठीक है. अब ये देखिए यहां पर क्या करूंगा, 2 1 2 2 4 8
ये हो गया tan pi by 4, tan pi by 4, tan pi by 4 is equal to 2 tan pi by 8, 2 tan pi by 8 upon 1 minus tan pi by 8 का whole square, समझ गए? क्योंकि tan square pi by 8 का मतलब क्या है? tan pi by 8 का whole square. अब यहाँ पर बोलेंगे let tan pi by 8 is equal to x, इसको x मान लो, और tan pi by 4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 is equal to 2 tan pi by 8 की जगह x, तो 2x upon 1 minus x square, इसको इधर ले जाओ, 1 minus x square is equal to 2x, 2x को उधर ले आओ, minus x square minus 2x plus 1 is equal to 0, ठीक है? या फिर x square plus 2x minus 1, अगर मैंने यहाँ से minus 1 common ले लिया तो it is equal to 0 और minus 1 को इधर ले जाओ, तो ये मेरे पास एक quadratic equation बन गई, x square plus 2x minus 1 is equal to 0. यहाँ तक समझ गए? ठीक है, x square plus 2x minus 1 is equal to 0 हो गया. अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, तो x क्या हो जाएगा, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b square minus 4ac upon 2a, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि x square का कोफिशिएंट 1 है, तो ये तो हो गया 1, b हो गया 2 और c हो गया minus 1. वैल्यू डालिए, x is equal to minus 2 plus minus under root b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर minus 4 into 1, a 1 है और c है minus 1, into minus 1 upon 2a, यानी तो 2 into 1 उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है ये x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 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 प्लस 4 प्लस 4 हो गया ये अपॉन 2 इनटू 1 क्या हो गया 2 हो गया माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, 8 को क्या बोलते हैं 2 रूट 2 अपॉन 2 x इज इक्वल टू यहां से आप क्या करो 2 निकाल लो कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2 2 से 2 कट गया तो x की दो वैल्यूज आएगी एक तो आ जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 2 और दूसरा आ जाएगा x is equal to minus 1 minus root 2 ये भी negative इसको cancel कर दो ये नहीं होगा क्यों क्योंकि x क्या है x है tan pi by 8 मुझे तो x की ही value निकालनी है फिर x अगर आ गया तो इसका मतलब tan pi by 8 की value आ गई ये तो pi by 4 है ये होता है 45 degree और pi by 8 क्या हो गया ये हो गया 22.5 degree अब pi की जगह 180 डालकर देखो और करो तो 22.5 degree आ जाएगा 22.5 कहाँ लाई करेगा 0 और 90 डिग्री के बीच में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम ये कहेंगे कि सिंस x इज इक्वल टू tan pi by 8 एंड pi by 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर all t ratios मतलब trigonometric ratios, all t ratios are positive,
therefore x is equal to root 2 minus 1. भाई माइनस वन प्लस रूट टू बोल दो या रूट टू माइनस वन बोल दो, मैं जानता हूँ कि रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, है ना, तो ये वन से बड़ा है, 1.414 में से माइनस वन कर देंगे तो 0.414 आ जाएगा, तो 0.414 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब टेन पर एट की वैल्यू रूट टू माइनस वन। बताइए जी, क्लियर है, चले आगे? यस सर। ऐश हो गया, चले आगे? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 28। एग्जाम्पल नंबर 28 है, इफ tan x इज इक्वल टू 3/4 तो मुझे तीन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और उन्होंने दिया है कि x वेयर वेयर x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, वेयर x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, x जो है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। भाई पाई का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री और 3π/2 का मतलब हो गया 270 डिग्री, मतलब ये 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि मुझे sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 ये तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो देखिएगा कि इसमें मैं ये कहूंगा इट इंप्लाइज दैट कि थ्रू आउट आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये पाई बाई टू हो गया, ये x by 2 हो गया और ये 3π/4 हो गया, मतलब थ्रू आउट आपने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, ताकि मुझे x की रेंज तो दे रखी है, मुझे x by 2 की भी रेंज पता चल जाए, तो x by 2 कहां से कहां तक लाई करता है, x by 2 90 डिग्री से बड़ा है और 3π/4, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, 3 इंटू 45 डिग्री हो जाएगा 135 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 135 डिग्री से छोटा, इट इंप्लाइज दैट x by 2 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, बोलोगे कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक होता है, तो 90 से 135 भी तो सेकंड ही होगा, है ना, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ये निकालना जरूरी था कि x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ये निकालना जरूरी था कि x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आप ये देखिएगा कि tan x दे रखा है 3/4 और मुझे sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 निकालना है, तो वही डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, हम कहेंगे कि जब मेरे पास tan x है तो मैं tan x by 2 को आराम से निकाल सकता हूँ, tan x by 2 एक एंगल हो गया थीटा,
और इसका डबल क्या होगा, x बाई टू का डबल क्या हो जाएगा टेन एक्स। हम ये कहेंगे x by 2 is equal to theta, then x क्या हो जाएगा 2 theta। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं यहां पर tan 2 theta का फॉर्मूला लगाता हूं, tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। अभी tan 2 theta क्या है, x है tan x है is equal to 2 tan theta क्या हो गया, टू tan x by 2 upon 1 minus tan square x by 2। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा भाई, tan x की वैल्यू दे रखी है 3/4, देखो तो फिर 3/4 उसको आगे कर, अब देखिएगा कि जो tan x है इसकी वैल्यू मुझे पता है 3/4, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/4 is equal to 2, but tan x by 2, tan x by 2 को y मान लो, 3/4 is equal to 2y upon 1 minus y square। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 into 1 minus y square is equal to 8y, 2 minus 2y square is equal to 8y minus 2y square कर दिया ना, 3 into 1 minus y square था, तो 3 minus 3y square होगा, और 2y into 4 ये 8y ये कितना, तो minus 3y square माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आप माइनस 1 ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 को इधर ले जाओ, 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बताइए जी, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब जरा देखो, 3 इंटू माइनस 3 करूंगा तो माइनस 9 आना चाहिए, माइनस 9 आना चाहिए, तो 8 के इंटरम स्प्लिटिंग हो जाएगी 9 माइनस 1, है ना, तो मैं इसको ऐसे करूंगा 3y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 1y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 1, 9y माइनस 1y करूंगा तो प्लस का 8y आ जाएगा, प्लस 9 इंटू माइनस 1 करूंगा तो माइनस 9 आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, इन दोनों में से 3y ले लो कॉमन, इधर बचेगा y प्लस 3, इधर माइनस 1 ले लो कॉमन, इधर बचेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3y माइनस 1 इंटू y प्लस 3 is equal to 0, it implies that 3y minus 1 is equal to 0, or y plus 3 is equal to 0, तो यहाँ से y की value आ गई 1 upon 3, और y की value minus 3, मुझे कौन सी value लेनी है, ये y क्या है, ये y है tan x by 2, और tan जो है, ये कौन से quadrant में lie कर रहा है, tan x by 2, x by 2 कौन से quadrant में lie कर रहा है, ये लाइन कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, हमारा टैन तो नेगेटिव होता है ना, तो इसका मतलब मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है मुझे ये वाली वैल्यू लेनी है y = -3।
ठीक है, ये छोड़ दूंगा, बिल्कुल सही, टेन एक्स बाई टू माइनस थ्री आ रहा है, हम ये कहेंगे x by 2, since x by 2 lies in second quadrant, therefore tan x by 2 is negative, that is y is equal to minus 3, which implies that tan x by 2 is equal to minus 3. ठीक है जी, tan x by 2 की वैल्यू आ गई. अगला पूछ रहे हैं ये कि आप निकालिए sin x by 2. तो sin x by 2 भी निकाला जा सकता है. sin x by 2 निकालना, अगर मान लो मेरे पास sin 2 थीटा मुझे निकालना होता तब तो कोई बात नहीं थी. अगर sin 2 थीटा निकालना होता तो कोई बात नहीं थी. लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप साइन एक्स बाई टू निकालो, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला मालूम है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का. लेकिन मतलब इसमें मुझे क्या करना होगा, इसमें मुझे तो लेकिन टेन एक्स बाई टू निकालना है ना, ये तो tan x by 2 निकालना है, पर थीटा को मैं ले चुका हूँ x by 2, और निकालना क्या है sin x by 2, तो यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, नहीं समझे भाई. अगर मुझे tan थीटा दे रखा होता, tan थीटा दे रखा होता तो थीटा का डबल यानी कि sin 2 थीटा होता, मैं निकाल लेता. यहाँ मुझे tan x दे रखा है, तो अगर कोई मेरे से sin 2x पूछता, मतलब x का डबल पूछता, भाई थीटा का डबल हो रहा है ना यहाँ पर, अगर x का डबल पूछा जाता तो sin 2 थीटा तो मैं निकाल लेता, लेकिन मुझसे तो हाफ पूछा जा रहा है, यानी कि मुझसे तो साइन थीटा बाई टू पूछा जा रहा है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते. क्या करेंगे देखिएगा, ये हटाओ. ऐश्वर्या आज भी समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर. ओके, चलिए जी, अब जैसे साइन एक्स बाई टू निकालना है तो मैं इसमें ये करूंगा कि टेन एक्स दे रखा है, मैं ये कहूंगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये निकालते पहले, तो वन प्लस थ्री अपॉन फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन, फोर का स्क्वायर हो गया सिक्सटीन, लेकिन मुझे प्लस का फाइव बाई फोर लेना है या माइनस का फाइव बाई फोर लेना है वो देखता हूँ. देखो एक्स लाई करता है 180 से लेकर 370 के बीच में, पाई से 3π/2 एक्स, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का और स्टूडेंट स्टेट यानी कि टेन तो रहेगा पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव, तो मेरा सेक भी नेगेटिव, तो सेक एक्स को मैं बोल दूंगा माइनस फाइव बाई फोर, माइनस फाइव बाई फोर, यहाँ लिख दीजिए सिंस एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सेक एक्स हो जाएगा माइनस का फाइव अपॉन फोर, उसके बाद माइनस का फाइव अपॉन फोर हो जाएगा सेक एक्स, और मुझे कितना होता है साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू,
ठीक है। और अब सिंस 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ हो गया भाई, यहां पर क्या था 2 थीटा और 2 थीटा का आधा ही तो हो गया थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, लेट x is equal to 2 theta, x को 2 theta मान लो, it implies that theta क्या हो जाएगा x by 2, ये बात समझ में आ गई, x को 2 theta मान लो तो theta क्या हो जाएगा x by 2, मुझे x by 2 ही निकालना है। अच्छा एग्जाम्स खत्म कर दो, ये सब दस आप ये तो फिजिकल डेरिवेशन है तो मैं लास्ट मैथ्स को मानता हूं क्योंकि वो तो ऑनलाइन होगा, कल इंग्लिश का वो भी ऑनलाइन। अच्छा तो 26 को कौन सा है फिजिकल डेरिवेशन, फिर तो 24 को ही खत्म है। हां 24 के बाद तो उनका पार्टी खत्म हो, पार्टी क्या चल रहा है, पानी क्या करना है यार, तो तक पढ़े नहीं दो दिन के अंदर अंदर इतना वायरल हो गया, पढ़ा लिखा कर लेना पाकिस्तानी है ना, हाँ बाहर भी बड़ी अजीब सी गेम थी, बड़े पुलिस को डाल दिया इसको तो। चलिए तो x को 2 थीटा मान लिया तो मैं ये कहूंगा 1 माइनस cos x is equal to 2 sin square x by 2, 1 minus of cos x कितना है minus 4 by 5 is equal to 2 sin square x by 2, 1 plus 4 by 5 बन गया तो ये बन जाएगा 5 plus 4 upon 5 is equal to 2 sin square x by 2। अब इस टू को नीचे ले आओ, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 5 प्लस 4 क्या हो गया 9, और 2 को नीचे ले आया 5 प्लस 10 हो गया, तो साइन एक्स बाई टू कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो जाएगा और 10 का तो रूट 10 ही रहेगा तो 3 अपॉन रूट 10, लेकिन मुझे ये देखना है एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स बाई टू लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, बताइए ऐश्वर्या अश्मी? यस सर। ठीक है, जब साइन एक्स बाई टू निकल गया और टेन एक्स बाई टू निकल गया तो फिर कॉस एक्स बाई टू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे करेंगे, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, sin x by 2 upon cos x by 2 is equal to tan x by 2, ठीक है, sin x by 2 कितना है, sin x by 2 की वैल्यू प्लस का 3 upon root 10, प्लस का 3 upon under root 10 upon cos x by 2 जो मुझे कैलकुलेट करना है, is equal to tan x by 2 की वैल्यू है minus 3, अब इस माइनस थ्री को इधर ले आओ कॉस एक्स बाई टू को इधर ले जाओ, माइनस थ्री कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू थ्री अपॉन रूट टेन,
थ्री से थ्री कट गया, कॉस एक्स वाई टू लिखा हो गया माइनस वन अपॉन रूट टेन, कॉस एक्स वाई टू ये, साइन एक्स वाई टू ये और टाइन एक्स वाई टू ये, ठीक है जी, क्लियर। बस तो इतना कर लीजिए और बेटा मिसलेनियस कंप्लीट करो, और इसमें मिसलेनियस में जो है जनरल सॉल्यूशन वाले तो क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, है ना, तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, और फिर उसके बाद कौन सा बोल रहे थे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यस सर, ठीक है करवा दूंगा। तो भाई तुम्हारे कुछ डाउट्स हो तो हम इसको ये कर लिए एग्जाम और ये सर, मेरा मैथ्स का 4 तारीख को है। कौन सी तारीख को? 2 को, ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना, बाकी रेगुलरली पूरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को कंप्लीट करा ही दूंगा। यस सर, ठीक है, चलिए जी, ओके सर, ओके, थैंक यू सर।